दर्शकों तक साझा कर रहे जो कि सोनीपत से सामने आया, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया सोनीपत से। बड़ी और अहम खबर, बिजली बिल पर 2% पंचायती टैक्स लगाने पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है सरकार गलत टैक्स लगाती है, सुविधा देती नहीं है। और इसी बीच उन्होंने कहा है सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है, लोगों पर बोझ बढ़ा रही है। किसान आंदोलन पर भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि किसान इतनी सर्दी में धरने पर बैठे हैं, उनकी मांग जायज है, जायज मांगों को लेकर किसान पौ के महीने में बैठे हुए हैं, सरकार को किसानों की मांग तुरंत माननी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता लाजपत जो कि फोन लाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, अगर बात किसान आंदोलन की करें तो देखिए सियासी दिग्गज भी किसानों को समर्थन, किसानों को सहयोग देते हुए नजर आ रहे। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है जो कि वो सोनीपत पहुंचे थे, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या कहा गया उनकी ओर से? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज बात करें तो यहाँ पर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में नगर निगम का जो चुनाव चल रहा है उस प्रचार को लेकर पहुंचे थे और जो कि जनता के बीच पहुंचे और तो किसानों के मामले में बातचीत कही कि किसान जो इतनी कड़कती ठंड में जो रोड पर बैठे हैं सरकार पर भी खुलकर बरसे और जनता से भी कहा कि आप टैक्स भरते हैं और आपको सुविधाएं नहीं मिलती तो आप मौका दें, और जो लगातार जो है चुनाव के बारे में भी अपील की लोगों से और लगातार जो किसानों के बारे में भी कहा किसानों की सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। जी सुनिए, तो नगर निगम चुनाव का प्रचार भी तेज हो गया, तो इसी बीच अगर सियासी दिग्गजों के प्रचार प्रसार की बात करें लाजपत तो क्या जानकारी, क्या अपडेट? चुनाव की खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है, कांग्रेस और बीजेपी की आपस में पूरी लोगों के बीच सभी बड़े दिग्गज नेता जो पहुंच रहे हैं लगातार जो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जनता के हाथ में है कि किसकी किस्मत का ताला खोलती है, क्योंकि लगातार जो है जो नगर निगम का चुनाव जो सोनीपत में जनता के हाथ में है कि किसको अपना मेयर बनाती है। जी जी बहुत शुक्रिया राजपत तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में, नगर निगम चुनाव प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान पौ के महीने में सबसे प्रचंडतम सर्दी के महीने में बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द माने और किसान ताकि अपने वापस राज्य लौट सकें, अपने खेत में लौट सकें, अपने गांव लौट सकें।